कहाँ रखी होगी दीदी ने दवाई? हम तो कमरे की बत्ती बुझा कर गए थे, फिर किसने जलाई? जरूर कोई अंदर है। जरूर हमारे कमरे में हमारे अलावा कोई आए, तभी अलमारी खुली है। हमें पता लगाना होगा कि हमारे पीठ पीछे हमारे कमरे में कौन तलाशी लेने आया था। हमें कैसे भी करके सबूत ढूंढना होगा। दवाई लग रही है जो गंगा दीदी ने उस दिन आइसक्रीम में डाली थी। अगर हमें गंगा दीदी का खेल जानना है तो हमें कैसे भी करके इस बुढ़िया की सच्चाई जाननी होगी। क्या पता इसकी सच्चाई जानकर हम गर्व जी को बेकसूर साबित कर पाए। रुको, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हमारे फोन को हाथ लगा सको। हेलो, ऐसा कौन सा धमाका हो गया फोन पे जो मालकिन के चेहरे की रंगत ही उड़ गई? शकुंतला साड़ीज की मालकिन, शकुंतला देवी का बेटा गर्व अग्रवाल अपने घर में बना रहा है रासलीला। एक ही घर में रह रही हैं उसकी दो दो बीवियां। घर में देखने को मिल रहा है सौतन ड्रामा। ये हरकत किसकी हो सकती है? पत्रकारों को किसने बता दिया? तस्वीरों में जो आप शख्स देख रहे हैं यही है वो अय्याश गर्व अग्रवाल। इन्होंने ये दो शादियां करके दो बहनों को बना दिया है दुश्मन। ये सब क्या हो गया? हम तो पूरे बनारस में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचे। महाबाबूजी क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? किसने की हो सकती है यह हरकत? पत्रकारों को सब कुछ पता चल गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तक ये तमाशा घर में था हम बर्दाश्त करते रहे, हमारा तमाशा बन गया। अरे बंद करो, ये हमें नहीं देखना।
गर्व जी के लिए पार्सल आया। इसमें क्या है? मुझकी आंसू मत बहाओ लड़की, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। जिस शकुंतला देवी के सामने शहर में कोई मुंह खोलने से डरता था, आज वो हमारे मुंह पर हमारी हंसी उड़ा रहा है, सब इस लड़की की वजह से। मॉम प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हम शांत नहीं होने वाले, हमें ये लड़की इस घर से बाहर चाहिए। ये सब इसकी वजह से हो रहा है, इसे बाहर करो अभी के अभी। मैं सॉरी मॉम, मैं ये नहीं कर सकता। आज तक वैसे भी सिर्फ मैंने दुख दिए हैं गौरी को, और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा दुख नहीं दे सकता मैं उसे। मॉम ये गलती मेरी है, इसका इल्जाम मैं गौरी पे नहीं लगा सकता। दुनिया में हमारी इज्जत उछलते हुए देख सकते हो? ये थप्पड़ हमें तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, आज की नौबत नहीं आती। हमारी इज्जत, हमारा नाम, हमारा रुतबा तुमने सब खत्म कर दिया। हमारे बेटे के साथ साथ वर्षों का कमाया हुआ हमारा नाम सब बर्बाद कर दिया। तबाह हो जाओ यहां से। हमें गर्व जी को जाकर देखना होगा, क्योंकि जिस हालत में इस वक्त वो है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तस्वीरों में जो आप शख्स देख रहे हैं, यही है वो अय्याज गर्व अग्रवाल। इन्होंने ये दो शादियां करके दो बहनों को बना दिया है दुश्मन। पत्रकारों को सब कुछ पता चल गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये हमें हमारा तमाशा बन गया। हमें ये लड़की इस घर से बाहर चाहिए, ये सब इसकी वजह से हो रहा है, इसे बाहर करो अभी के अभी। छोड़िए इसे। आज मुझे मत रोको। नहीं गर्व जी, छोड़िए। हमारे गर्व जी इतने कमजोर नहीं है कि दुखों से लड़ने के लिए उन्हें इसका सहारा लेना पड़े। मैं कमजोर हूँ गौरी, मुझसे नहीं सहन हो रहा ये सब।
कल तक सिर्फ मेरे घर पे मेरी इज्जत का तमाशा बना था, आज पूरे शहर ने मेरी इज्जत का तमाशा देखा है। मैं इन बेबुनियादी इल्जामों के तले नहीं जी सकता, मुझे पीने दो। तो गर्व जी नहीं, छोड़िए इसे, आपको इसके बिना ही लड़ना होगा और इस लड़ाई में हम आपका साथ देंगे। तुम कैसे साथ दोगी मेरा यार? हमारे पास एक सुराग है जिससे पता चल सकता है कि क्या सच में आपके और गंगा दीदी के बीच कुछ हुआ था या फिर गंगा दीदी ही कोई चाल चल रही है। क्या सुराग है तुम्हारे पास? पहले आप ये बताइए कि क्या उस रात गंगा दीदी ने आपको आइसक्रीम खिलाई थी? जबरदस्ती मुझे आइसक्रीम तो खिलाई थी। मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रुकिए, ये देखिए, ये दवाई हमें गंगा दीदी के कमरे से मिली थी और इस दवाई को खाकर कोई भी इंसान नशे में आ सकता है। हमें शक है कि गंगा दीदी ने उस आइसक्रीम में ये दवाई मिलाई थी। गौरी, इस मुसीबत की गहरी खाई से मुझे बचा लो प्लीज। उस गंगा के बेबुनियादी इल्जामों के तले में जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे बचा लो। और मैंने कुछ नहीं किया है गौरी, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बचा लो प्लीज। आप संभालिए खुद को, आपको बेकसूर साबित करने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। अगर आप सच कह रहे हैं तो हमारा भरोसा कीजिए, सब सही होगा। दीदी इतना नीचे कैसे गिर सकती है? हम गर्व जी का साथ देंगे और इन्हें बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। कहरी, हमारी लगाई हुई आग में ना सको एकदम झुलसी हुई है और यही सही मौका है उसकी तिजोरी साफ करने का। क्या मतलब दादी? अब मतलब का तुझे भाव और से समझाएगा। अरे सकू जो है ना, वो मीडिया में अपनी छवि साफ करने में लगी हुई है, चारों तरफ से फंस चुकी है। अब उसके दिमाग में ना सिर्फ गंगा, गर्व और गौरी, बस उसी में व्यस्त है। ये सही मौका है उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करने का। क्या बात है दादी, बड़ा लोमड़ी दिमाग पाया है आपने। हमने तो लोमड़ी जैसा दिमाग पाया है, पर हमारी पोती तो ना गधी की गधी है। दादी हमारी अक्ल को मत ललकारो, मैं भी आप ही की जैसी हूँ। कहो तो साबित करके दिखाओ। अच्छा है, तू साबित करेगी हमका? चल साबित कर कर दिखा, सकू की तिजोरी की नकली चाबी बना कर दिखा, तब हम माने कि तू हमरी तरह साथ दे रहे। जी जान लगा देंगे दादी। अच्छा जी जान लगा देगी? अरे सकू जो है ना 24 घंटे कमर में अपनी चाबी लटकाए घूमती है, वो चाबी तभी निकाल कर रखती है जब वो नहाने जाती है। बस अगर उस वक्त तूने चाबी की छाप अपने साबुन पर ले ली तो हम उस चाबी की नकली चाबी बना देंगे और तिजोरी साफ कर देंगे। पर उसके लिए ना तेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, उसे 15 मिनट तक ही ना आती है। ठीक है दादी, आपका यही होता तैयार है, जीत हमारी होगी। तो मिला हाथ, अब तो सकू की तिजोरी साफ ही होगी। क्या मतलब है आपका कि हमें बच्चा नहीं मिल सकता? हमने आपको पैसे दिए हैं, अगर हमें 8 महीने के अंदर नवजात बच्चा नहीं मिला ना तो फिर देख लेना। मुश्किल है मैडम, क्योंकि जिस औरत का बच्चा हम आपको देने वाले थे उसने ज्यादा पैसों में अपना बच्चा किसी और को बेच दिया। हम कुछ नहीं जानते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो हम पूरे हॉस्पिटल में आके सबको बता देंगे कि आप पैसे लेकर बच्चा बेचते हैं, समझे? नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत करिए प्लीज, मैं कोशिश करता हूँ। अगर हमें 8 महीने के अंदर एक नवजात बच्चा नहीं मिला ना, मालकिन हमें गर्व जी की जिंदगी के साथ साथ इस घर से भी बाहर निकाल देगी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 8 महीने के अंदर एक नवजात बच्चे को खरीदना ही होगा, तभी हम इस घर में और गर्व जी की पत्नी होने का हमें दर्जा मिल पाएगा। मालकिन, वो हमें हमारे होने वाले बच्चे के लिए
थोड़े पैसे की जरूरत थी। आप चाहे तो हमारी तनख्वाह में से काट लेना। तीन बार तो तनख्वाह ले चुकी हो, कितना डांस है तुमको? काम करना नहीं है, हर दूसरे दिन छुट्टी करनी, लेकिन तनख्वाह वो एडवांस में चाहिए। इस हालत में तुम्हें काम पे रखा है कुछ कम है? मालकिन वो डॉक्टर से जांच करवानी थी। तो हमने कहा था बच्चा करने के लिए, जब औकात नहीं है तो क्यों बच्चा पैदा करते हो? कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। नौकरानी कहाँ चली गई? रुकिए मैडम। जी कहिए। और ये क्या तरीका है पीछे से आवाज मारकर रोकने का? मजबूरी है मैडम, इसलिए रोकना पड़ा। मतलब कहिए क्या काम है? गुनहगारों से अक्सर हमें काम होते ही है मैडम। ये शरीफों का घर है, यहाँ पे कोई गुनहगार नहीं रहते। शरीफों का घर है, आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज है हमारे थाने में। या आपने अपने पति की आइसक्रीम में नशे की दवाई मिलाई और उसके साथ जबरदस्ती की। किसने की कंप्लेंट? आपके पति ने, गर्व अग्रवाल ने। इसलिए मैडम हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। नहीं, ये झूठ है। आप ही बताइए, एक औरत एक आदमी के साथ जबरदस्ती कर सकती है क्या? नहीं ना, उल्टा उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की थी और तभी हम आज पेट से हैं। मैडम अभी ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपने पति की आइसक्रीम में नशे की दवाई मिलाई थी, उसके साथ जबरदस्ती की थी। यकीन नहीं? सबूत है हमारे पास। ये रही वो नशे की दवाई मैडम, जो आपने अपने पति की आइसक्रीम में मिलाई थी। सुनिए, इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स भी हैं। अरेस्ट हर। से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। दरअसल हमारे पति और हमारे बीच में पत्नी पति जैसा कुछ भी नहीं है। हमने ये सब किया बस अपनी गृहस्थ जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम मजबूर थे। उस रात हमने उन्हें आइसक्रीम में वो दवाई मिलाकर खिलाई थी, नशे वाली दवाई, जिसे कहा के इंसान को नशा हो जाता है और उसी नशे में वो हमारे करीब आए। हम उन्हें अपने करीब लाना चाहते थे। हम मजबूर हैं, इसलिए हमने ये सब किया। इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत मजबूर और परेशान हैं अपने जीवन में। क्या कुछ ले दे के ये मामला निपट सकता है? कितने पैसे दे सकती हैं आप हमें?
लाख रुपए। दस लाख रुपए हैं आपके पास? हम शकुंतला अग्रवाल की बहू हैं, हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो और किसके पास होंगे? ठीक है, तो कब लेने आए हम आपसे पैसे? आज रात को। लेकिन उसके बदले में वो सबूत देना होगा आपको। मंजूर है? मंजूर है। आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाए थे वो गलत थे माँ, ये सब गंगा का किया हुआ है। उस रात उसने मुझे नशे की दवाई दी और ये सब हो गया। सबूत आपके सामने है। अरे मोरी मैया, अरे गंगा को देखो, अरे 50 कदम आगे ही चल रही है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है हमें तबाह करने की। सजा मिलेगी गंगा को, इस धोखे की सजा जरूर मिलेगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.